कि पाकिस्तान ने चूड़िया नहीं पहनी है। अरे भी पहना देंगे। बहनभाइयों, पीओके हमारा था, पीओके हमारा है, पीओके हमारा रहेगा। देश में थोड़ी ही देन में अगले थोड़े ही साल में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भी हमारा देश में आ जाएगा। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है और हम वो लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके। पीओके जो है भारत का अंग है। इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वॉज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। पीओके में इस वक्त लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिया है। सड़कों पर उतरकर वे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर पीओके की जनता का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच चुका है। वहां पिछले तीन दिनों से हिंसक प्रदर्शन जारी है और वो आजादी के नारों में तब्दील हो चुकी है। लोगों ने तो पीओके के भारत में विलय तक की मांग कर ली है। भारत शुरू से ही दावा करता रहा है कि पीओके भारत का ही हिस्सा है और वो उसे वापस लेकर रहेगा। मोदी सरकार के जितने भी टॉप मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो अमित शाह हो, राजनाथ सिंह हो या फिर एस जयशंकर, लगातार पीओके पर अपना दावा करते आए हैं और अब इसकी वानगी भी दिखने लगी है। खासकर पीएम मोदी के पाकिस्तान को चूड़िया पहनाने वाले बयान ने तो भारत के अगले प्लान की ओर इशारा कर दिया है। पीओके की आग अब इस्लामाबाद तक पहुंच चुकी है, जिससे पाकिस्तानी सरकार घुटनों पर आ गई है। खबरों के मुताबिक हिंसक प्रदर्शनों में एक पुलिस अफसर की मौत हो गई है, 100 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। पीओके के ताजा घटनाक्रम को देखते हुए यही लग रहा है कि हालिया विरोध प्रदर्शन और हिंसा से संकेत साफ मिल रहे हैं कि पाकिस्तान उस इलाके पर अपनी पकड़ खोता जा रहा है, जिस पर उसने दशकों से अवैध तरीकों से कब्जा कर रखा है। रावलकोट में कई ऐसे पोस्टर्स भी देखे गए जिसमें भारत से विलय की मांग की गई है। ऐसा लग रहा है कि पीओके की जनता ने भी अब ये साफ कर दिया है कि वो अब पाकिस्तान के कब्जे से निकलकर भारत में आना चाहते हैं। लोगों का ऐसा प्रदर्शन देख पाकिस्तानी सरकार के पसीने छूट गए हैं। पीओके की जनता के हाथों पाकिस्तानी सेना को पिटते देख शहबाज शरीफ की हालत पतली हो गई है। पीओके में इस वक्त लोगों के अंदर जो सालों का गुस्सा भरा हुआ है वो अब साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। वैसे तो पीओके में अक्सर पाकिस्तानी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन होते रहते हैं, लेकिन इस बार ये प्रदर्शन हिंसा में बदल चुका है। स्थानीय मीडिया के मुताबिक पीओके के कई हिस्सों में मोबाइल और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। लोगों ने बढ़ती महंगाई की वजह से अपनी मांगों को लेकर शटर डाउन और चक्का जाम हड़ताल का ऐलान कर दिया है। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प की घटना भी सामने आई है। हालात वहां इस वक्त इतने ज्यादा तनावपूर्ण हो चुके हैं कि प्रशासन ने पीओके के सभी जिलों में जमावड़े, रैली और जुलूस पर बैन लगा दिया है। धारा 144 भी लागू कर दी गई है। पीओके में चौराहे और संवेदनशील स्थानों पर बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। बाजार, व्यापार केंद्र और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बंद है, जबकि यातायात सेवाएं ठप हैं। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को अपनी गिरफ्त में भी ले लिया है। लेकिन ऐसे में ये सवाल आ रहा है कि आखिर पीओके की जनता इतने गुस्से में क्यों है और वो किस चीज को लेकर प्रदर्शन कर रही है और ऐसा क्या हुआ है कि वो खुद से भारत में विलय की मांग कर रहे हैं। दरअसल लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ भेदभाव के आरोप लगाए हैं। उन्होंने पीओके का मिलिट्रलाइजेशन का भी दावा किया है। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी, गेहूं और आटा पर सब्सिडी खत्म करने, टैक्स और बिजली जैसे मुद्दों को लेकर लोगों में गुस्सा है। लोगों ने सरकार पर ये आरोप लगाए हैं कि पाकिस्तान के अमीर और ताकतवर लोगों के घर में 24 घंटे बिजली रहती है, जबकि गरीब लोगों के घर में 18 से 20 घंटे तक बिजली की कटौती रहती है। इसके बावजूद भी बिजली का भारी बिल चुकाना पड़ता है। साथ ही पीओके में बुनियादी ढांचा भी बेहद कमजोर है। 70 सालों में न तो यहाँ सड़कें बनी हैं, न पुल और न ही ढंग के स्कूल और अस्पताल। महंगाई की मार ने तो पाकिस्तान की वैसे ही कमर तोड़ रखी है और ये किसी से छुपा भी नहीं है। लोगों में इस बात का भी गुस्सा है कि पाकिस्तान के लिए पीओके सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है, जहाँ से वो भारत के खिलाफ लड़ाई लड़ता है और धीरे धीरे ये आतंकवादियों के लिए भी बड़ा ठिकाना बनते जा रहा है। फिलहाल पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लोगों की आवाज बुलंद होने लगी है। वहां लोग अब लगातार भारत में शामिल होने की मांग उठा रहे हैं।
उनका कहना है कि अब वो दिन दूर नहीं जब पीओके भारत का हिस्सा बन जाएगा। पाकिस्तान की सरकार डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश में तो लगी हुई है, लेकिन अब पाकिस्तान के हाथ से पीओके फिसलता नजर आ रहा है, क्योंकि पीओके में हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं कि पुलिस और आवाम आमने सामने आ चुकी है, और अब आवाम खुद ही भारत में शामिल होने की गुहार लगा रही है।